गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन वेलकम टू ऑनलाइन क्लास माई सेल्फ इज मिस आरती पवार एंड टूडे वी विल लर्न क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर थर्ड लेसन मीन्स क्लास सिक्स इंग्लिश ग्रामर थर्ड लेसन द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिवस फॉर्मेशन मीन्स बनावट इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बनावट बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन i want to explain you something about interrogatives that means we try to know what are interrogatives dear children in the first lesson we already read about the kinds of sentences there are four kinds of sentences assertive sentences imperative sentences exclamatory sentences and interrogative sentences interrogative sentences द सेंटेंसेज दैट आर यूज टू आस क्वेश्चन आर कॉर इंटेरोगेटिव सेंटें उस टाइप के सेंटेंस जिसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क दैट मीन्स एवरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड यानी हर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क होता है फॉर एक्जाम्पल When does school start? Question mark. Second sentence is, Where are you going? Question mark. So you can notice, आप देख सकते हैं, notice कर सकते हैं कि question, interrogative जो sentence है, उनके last में हमेशा question mark रखा जाता है. It, it is the uh, identification of interrogative sentences. Means इसके uh, through भी हम पहचान सकते हैं कि कोई sentence interrogative है या नहीं है.

है या क्या आप चाहे पसंद करते हो इसका आंसर जो है हम सिंपल यस सो नो में भी दे सकते हैं इट बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब डू ये जो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब डू से होता है द सेकेंड क्वेश्चन बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड वर्ट इट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अ सिंपल यस और नो द आंसर मस्ट बी अ कंप्लीट स्टेटमेंट बट इफ वी सी द सेकेंड सेंटेंस इट स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड वर्ट सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है वो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन वर्ल्ड वर्ड से एंड इट कैन नॉट बी आंसर्ड बा हम इसका आंसर यसो नो में नहीं दे सकते हैं इसका जब हम आंसर देंगे तो वो एक पूरा स्टेटमेंट होगा लुक एट दिस सेंटेंस सी हैज लेफ्ट सींस दिस इज आर डिक्लेटिव स्टेटमेंट द सब्जेक्ट सी इज फॉलोड बाई द हेल्पिंग वर्ब हैज ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जा चुकी है. और इसमें जो सी प्रोनाउन जो हमारा है उसके बाद सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल है डियर चिल्ड्रन इट इज प्रोनाउन या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर हमें इसी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है जो हमारी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमें प्रोनाउन से पहले लाना पड़ता है या सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ता है मीन्स हेल्प वी नीड टू पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट लाइक दिस हैज सी लेफ्ट हियर द हेल्पिंग वर्ब हैज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट सी नाउ यू कैन सी हियर द हेल्पिंग वर्ब हैज कम्स बिफोर सब्जेक्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमने सब्जेक्ट से पहले रख दी है और इतना करने से ही हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा ओके वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस सी राइट्स अ लेटर सी राइट्स अ लेटर मीन्स वह पत्र लिखती है ना वी विल ट्राई टू मेक द इंटेरोगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस अब हम ट्राई करेंगे कि हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव कैसे बना सकते हैं तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हमें सब्जेक्ट से पहले लाना है मीन्स डज़ शी राइट्स अ लेटर डज़ शी यहाँ पे हमारा जो डज है उसमें ऑलरेडी ऐसा आ गया तो यहाँ पे हम ऐस का यूज नहीं करेंगे ड शी राइट अ लेटर सेकेंड सेंटेंस इज राम इज प्लेंग ram is playing cricket means subject helping verb main verb and object we need to put helping verb before the subject is ram playing cricket they are watching movie subject helping verb main verb and object again we put the helping verb before the subject are they watching movie are they watching movie मीन्स हमको क्या करना है जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें सब्जेक्ट से पहले लाना है और इतना करने से हमारे जो सेंटेंस है वो हमारे इंटेरोगेटिव sentence, बन जाते हैं आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट इट नाउ टेक अ लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कैन कुकी शी मेक कैन कुकी सी दर्ड्स कैन बी अरेज टू फॉर्म अ स्टेटमेंट एज वेल एज अ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं हमको इनको स्टेटमेंट में और एज वेल एज क्वेश्चन सेंटेंस में भी अरेंज करना है मेक कैन कुकी शी शी कैन मेक कुकीज स्टेटमेंट सी कैन मेक कुकीज नाउ वी विल ट्राई टू मेक द इंटेगेटिव सेंटेंस कैन शी मेक कुकीज कैन शी मेक कुकीज तो इस तरह से अगर हम जो हमारे वर्ड्स हैं उनको अरेंज करते हैं तो हम उसका स्टेटमेंट as well as question, question sentences be banasakne. note. Question, questions are often asked using what, when, where, which, who, whom and why. such questions that begins with wh are thus referred to as wh questions. to this list we usually add how since all of these are used to Extract particular kinds of information. Dear children, you already know about the डब्ल्यू एच फैमिली क्वेश्चन आप जानते हो डब्ल्यू एच जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं जैसे हमारा वट when, वेयर विच हु whom ये सारे डब्ल्यू एच से डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं इसलिए इनको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहा जाता है और इस लिस्ट में हम हाउ को भी ऐड करते हैं और ये सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनका यूज हम क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं ओके नाउ कम टू द एक्सरसाइज ए द फॉलोइंग सेट्स कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म अ स्टेटमेंट एज वेल एज अ क्वेश्चन राइट आउट बोथ इन योर नोटबुक वन हैज बिन डन फॉर यू मीन्स आपको क्या करना है ये जो सारे सेंटेंस हैं इनको आपको स्टेटमेंट और एज वेल एज क्वेश्चन क्वेश्चन में अरेन्ज करना है मीन्स एक ही सेंटेंस से आपको स्टेटमेंट भी बनाना है और क्वेश्चन भी बनाना है फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया गया है नाउ लेट्स ट्राई The second sentence is teacher will excellent she make an First we will try to arrange these words in a right way She will make an excellent teacher She will make an excellent teacher it is a statement and will she make an excellent teacher it is a question Will she make an excellent teacher? It is a question. She will be able to solve all your problems. Statement. Will she be able to solve all your problems? Questions means you can notice आप देख सकते हो और notice कर सकते हो कि helping verb को आगे लाने से जो हमारा sentence है वो हमारा question बन जा रहा है और helping verb को अगर हम subject के just बगल में रख रहे हैं तो वो हमारा statement बन जा रहा है और helping verb को अगर हम subject से पहले लाते हैं तो वो हमारा

तो इस सेंटेंस के टू पार्ट वन पार्ट एंड द अनदर पार्ट, वन पार्ट एंड द अनदर पार्ट। ईच ऑफ़ दीज टू सेंटेंस टू पार्ट्स, ए स्टेटमेंट एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन पहला जो हमारे पास है वो एक स्टेटमेंट है और दूसरा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है यू डोंट हैव एन इंपोर्टेंट मीटिंग टूमोर क्या कल आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं है डू यू क्वेश्चन ठीक है तो इसको हम इस टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चन यू कैन परचेज द टिकिट टूमोरो एन इंपोर्टेंट मीटिंग डू यू वेन अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोज अ स्टेटमेंट वी कॉल इट अ क्वेश्चन टैग जब कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए उसके लास्ट में क्वेश्चन होता है तो उसको हम क्वेश्चन टैग करते हैं द दर्पज ऑफ द क्वेश्चन टैग इज क्वेश्चन टैग के जो पर्पज होते हैं वो होते हैं टू गेट इन कन्वर्सेशन एंड इनकरेज अ समेज किसी को अपनी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना और उसके रिस्पॉन्स देने के लिए उसको इनकरेज करना टू कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दैट वी थिंक इज ट्रू अब जो इन्फॉर्मेशन हम सोच रहे हैं वो सही है उसको कन्फर्म करने के लिए हम सामने वाले से क्वेश्चन टैक्स टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं नॉट

क्वेश्चन टैग्स में हमेशा हम प्रोनाउंस का यूज करेंगे जैसे आर एन टी यूज सी इस टाइप से इट हैज द सेम सब्जेक्ट एज द स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग जो हमारा बनेगा उसका सब्जेक्ट वही होगा जो स्टेटमेंट में होगा मीन्स अगर स्टेटमेंट में हमारे पास यू होगा तो क्वेश्चन टैग भी हमें यू से ही बनाना होगा इफ वी हैव सी इन स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग में भी हमारे पास सी होगा टेंस डज नॉट अल्टर जो टेंस होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वी यूजली यूज द एब्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ नेगेटिव आर एंट कांट वोन हम क्या करते हैं एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म जो हमारे जो क्वेश्चन टैग होते हैं उनकी हम नेगेटिव की शॉर्ट फॉर्म लेते हैं इफ़ द स्टेटमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आर इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव फॉर एग्जाम्पल यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ आर एंड यू हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव में है यानी जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव और अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा फॉर एग्जाम्पल एट हियर क्वेश्चन टैग्स इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव में आएगा यू आर गोइंग टू द फेयर क्या यू आर गोइंग टू द फेयर तुम मेले में जा रहे हो आर एन टीओ क्या तुम नहीं ठीक है ना तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये पॉजिटिव है यू आर गोइंग टू द फेयर तो हमारा क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव बट इफ वी हैव नेगेटिव स्टेटमेंट अगर हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल आई शुड नॉट ऐड मोर सॉल्ट टू दिस डिस आई शुड नॉट ऐड मोर सॉल्ट टू दिस डिस मैं इस डिश में मुझे ज़्यादा जो सॉल्ट है नमक है वो ऐड नहीं करना चाहिए शुडन शुड आई क्या मुझे करना चाहिए तो इस तरह से चिल्ड्रन हम क्या करते हैं क्वेश्चन टैग करते हैं हियर You can see exercise A and B in your book. You will try to solve this exercise and I hope that you understood about uh, formation of interrogatives and question text. Thank you students.